हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एबी वीडियोस। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया मैगी के पकौड़े बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही क्रिस्पी यमी पकौड़े बनते हैं, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आते हैं। तो स्टार्ट करेंगे बनाना। तो पहले हम मैगी बनाने के लिए रख देंगे, ये देखिए एक मैगी का पैकेट मैंने डाला। एक छोटे गिलास पानी में ये जो इसका मसाला है वो भी हम साथ ही में डाल देंगे और इसको सिंपल वे से पकने देंगे। ये देखिए मैगी कुक हो गई है अच्छे से। बस अब इसको हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और थोड़ा सा इसको ठंडा होने देंगे। ये देखिए मैगी ठंडे होने के बाद इसको एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे हम। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ सब्जियां हैं। एक मीडियम साइज का प्याज छोटा छोटा कट करा है, आधी छोटी शिमला मिर्च कट करी है छोटी छोटी, और ये कॉर्न्स हैं कुछ, ये डाल लेंगे। वेजिटेबल्स आप अपने हिसाब से कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो गोभी छोटी छोटी कट करके डाल सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं, ये हरी मिर्ची भी डाल देंगे और खूब सारा हरा धनिया, ये सब चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे। और साथ हम ऐड करेंगे इसमें ये दो छोटे चम्मच सूजी हैं। सूजी से हमारे जो स्नैक्स हैं बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। सूजी ऐड कर देंगे और दो छोटे चम्मच बेसन ऐड करेंगे। नमक ऐड करेंगे, मैगी मसाला में भी नमक होता है तो देख के ध्यान से ही करेंगे, पहले कम ही करेंगे। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्ची, धनिया पाउडर। बस अब सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए सब चीजों को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया, अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। ये देखिए छोटे छोटे से स्नैक्स बनाएंगे, बहुत ही मजेदार बनते हैं। फ्रेंड्स, इनको क्रिस्पी होने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो इसको हाई फ्लेम पर हम आराम से क्रिस्पी होने देंगे, ज्यादा हिलाएंगे नहीं। 2 से 3 मिनट एक साइड पकने देंगे और फिर 2 से 3 मिनट दूसरी साइड को क्रिस्पी होने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितने देखने में ही बढ़िया लग रहे हैं, बिल्कुल क्रिस्पी हो चुके हैं। निकाल लेंगे और मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। सर्व करने से पहले पकौड़ों के ऊपर अगर हम थोड़ा सा चाट मसाला पोर कर देंगे तो बहुत ही बढ़िया लगेंगे, यमी सी चटनी के साथ, चाहे हो पुदीने ग्रेवी की चटनी, चाहे हो खजूर और इमली की चटनी। फ्रेंड्स, खजूर और इमली की चटनी की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी, बहुत ही यमी लगती है पकौड़ों के साथ, जरूर से ट्राई कीजिए, आप इस रेसिपी को बहुत ही पसंद आएगी, बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको। और कमेंट्स में भी जरूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। पसंद आने पर प्लीज लाइक शेयर भी कीजिए और मेरी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।